हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिले की काजल ने एक बार फिर से पहलवानी में नाम रोशन किया है। बता दें कि सोनीपत के सेक्टर 23 की रहने वाली पहलवान काजल ने 73 किलोग्राम वर्ग भार में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। आज काजल का सोनीपत पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि लगातार हरियाणा की छोरी विदेशी धरती पर अपना परचम लहराती नजर आई है और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा है, विजेता काजल आज सोनीपत पहुंची जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। काजल की मेडल तालिका की लिस्ट में एक और पदक जुड़ा, वहीं परिजनों के साथ सेक्टर वासियों में भी खुशी का माहौल देखा गया। इस वक्त ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये काजल पहलवान है जो सेक्टर 23 सोनीपत की रहने वाली है और यहाँ पर जैसे वो पहुँचती है तो परिजनों और सेक्टर वासियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत, जोरदार स्वागत किया जाता है। वह अब तक 16 बार भारत केसरी, 2 बार हरियाणा और दिल्ली केसरी का खिताब अपने नाम कर चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है। कौन से गेम में कहाँ खेल के आए हो? अब मैं एशियन चैंपियनशिप खेल के आई थी अमन जॉर्डन में 73 kg में। रेसलिंग में? हाँ, गोल्ड आया। किस किस से आपकी फाइट हुई, कौन कौन से देश के खिलाड़ी से? मेरी पहली बाउट चाइना के साथ हुई थी, दूसरी जापान के साथ, फाइनल मंगोलिया के साथ हुई। फाइनल में कहीं लग रहा था कि कहीं पीछे ना रह जाऊँ? ना, प्रैक्टिस इतनी कर रखी थी, किसी तरह डरे थे। अब आगे क्या? अब मेरी अगस्त में वर्ल्ड की है, उसमें गोल्ड लाना है मुझे। उसके बाद आगे किस तरह? ओलंपिक का फिर। कितने घंटे डेली प्रैक्टिस करती हूँ? सुबह 2.5 घंटे, शाम को 3-2.5 घंटे, यही प्रैक्टिस। ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं रेसलिंग में जाऊँगा? ये मेरे चाचा से मिली है मुझे। क्या, कैसे, चाचा ने क्या बताया? बस चाचा को देखती थी, मेरा भी मन करता था मैं भी इनकी जैसी बनूँ, इनके जैसी रेसलर अच्छी बनूँ, यही था बस मेरा सपना। चाचा कुश्ती करते थे? हाँ, चाचा कुश्ती। दंगल भी खेलने जाते हो आप? हाँ, दंगल भी मैं 16 साल की हूँ और 16 बार ही भारत केसरी बनी हूँ। 16 साल की उम्र में कहाँ कहाँ खेली दंगल? हिमाचल में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, सारे खेली हूँ मैं। कभी परिवार ने रोका नहीं कि चाचा खेल के वहीं का? परिवार तो खुद न कहे, जो चाहो वो कर तू, बस अपना ओलंपिक में। क्या संदेश देना चाहोगी बाकी लड़कियों को? बस यही कहना चाहूंगी कि अपना बढ़िया मेहनत करो, बढ़िया खुल कर लड़ो, डर के ना लड़ना है, ओलंपिक में गोल्ड लाना है। आपका क्या सपना है कि ओलंपिक में? मेरा ओलंपिक में गोल्ड तक का ही सपना है। तो कितनी उम्र में खेलने लगी थी आप बचपन में? मैं 9 साल की करने लगी थी प्रैक्टिस। चाचा को देख कर? हाँ, चाचा को देख कर। अब चाचा भी दंगल लड़ते हैं साथ के साथ? नहीं, चाचा तो उम्र पे ध्यान दे रहे हैं पूरा। हाँ, यही बनानी है पहले। चाचा ने अपने दंगल छोड़कर आप पर ध्यान दिया?